दोस्तों, भूकंप आने से पहले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्रकृति हमें आगाह करती है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। भूकंप आने से पहले अचानक गर्मी बढ़ जाती है और हवा रुक जाती है। सांप, चूहों और चिड़ियों को इसका पता सबसे पहले चल जाता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने के पूर्व संकेतों का उल्लेख मिलता है। वैसे विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति इसके संकेत पहले ही देने लगती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। और दोस्तों, भूकंप आने से कई दिन पहले चूहे, नेवला, सांप कथित तौर पर अपने घरों को छोड़कर सुरक्षा के लिए भागने लगते हैं। भूकंप की जानकारी जानवरों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों को पहले ही हो जाती है और वे सामान्य से अलग व्यवहार करने लगते हैं। कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगते हैं और पक्षी की चहचहाहट भी अलग तरह की हो जाती है। वे अपना घोंसला छोड़कर जहां तहां उड़ने लगती हैं। और इस तरह ये अनेक संकेत हैं जिससे भूकंप से पहले ही जानकारी मिल सकती है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह भूकंप के भी आने के कुछ पूर्व संकेत हमें मिलने लगते हैं, लेकिन आम इंसान इन संकेतों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें समझ नहीं पाता। ये संकेत अलग अलग तरह से हमारे सामने आते हैं, जैसे कि वातावरण में तापमान का अचानक बढ़ जाना, मौसम में अचानक बदलाव आ जाना, भूकंप आने से पहले कुएं का पानी बढ़ने या घटने लगता है, 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल में खराबी आने लगती है, टीवी सिग्नल में भी खराबी आने लगती है, उसके रेडियो विजुअल स्पेक्ट्रम में खराबी आ जाती है, मोबाइल के सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। और दोस्तों, भूकंप का एहसास जानवरों को पहले ही हो जाता है। वे चीखने चिल्लाने लगते हैं। सांप और चूहों को इसका आभास सबसे पहले हो जाता है। इसके बाद कुत्तों को भी इसका पता चल जाता है और वे उस जगह को छोड़ देते हैं जहां भूकंप आने वाला होता है। फिर पक्षियों को भूकंप आने का एहसास हो जाता है और वे अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं और चहकने लगते हैं। वे दूसरे पक्षियों को इसके लिए आगाह करते हैं। और दोस्तों, भूकंप आने से पहले आसमान में अजीब तरह का उजाला दिखने लगता है, जिसे अर्थक्वेक लाइट भी कहते हैं। हम अगर इन संकेतों पर ध्यान देंगे तो कुछ हद तक भूकंप से कम नुकसान होगा। और दोस्तों, इसके साथ ही भूकंप वाले क्षेत्र में भूगर्भ से हीलियम गैस का रिसाव बढ़ जाता है। इससे एक दो दिन पहले भूकंप का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा अचानक जल स्तर घट जाता है या बढ़ जाता है, नालों से पानी अचानक गायब हो जाता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ दिन तो दूर, कुछ घंटों पहले भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। और दोस्तों, नीदरलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरविट ने 3 फरवरी को भविष्यवाणी की थी तुर्की और सीरिया में भूकंप आ सकता है और उनकी तीव्रता 7.5 या उससे ज्यादा हो सकती है। और उसके 3 दिन के बाद ही ये विनाशकारी भूकंप आ गया। ये भी दावा किया था कि भूकंप हमेशा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आते हैं। और दोस्तों, भारत के प्राचीन गणितज्ञ बरा मिहिर के अनुसार भूकंप आने के कई कारण हैं, जिसमें से एक वायु वेग तथा पृथ्वी के धरातल का आपस में टकराना है। लेकिन भूकंप कब आएगा, इसके कई संकेत होते हैं। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला रहता है तो उस ग्रहण के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद अर्थात उक्त ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में भूकंप कभी भी आ सकता है। विशेष स्थिति जैसे आकाश में जब मंगल व शनि ग्रह एक दूसरे के 180 डिग्री की दूरी पर हो या बृहस्पति ग्रह वृषभ अथवा वृश्चिक राशि में होकर बुध से संयोग कर रहा हो या उसके समानांतर हो तो भूकंप आने की संभावना रहती है। इसी तरह जब नेपच्यून यूरेनस को बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित कर रहा हो तो भी भूकंप आने के संकेत मिलते हैं। ग्रहण के अलावा यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, शनि, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की विशेष स्थितियां धरती के जिस भी क्षेत्र में होती हैं उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना होती है। खासकर हिमालय के आसपास के क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं। और दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि भूकंप दिन के 12 बजे से लेकर सूर्यास्त तक और मध्य रात्रि से लेकर सूर्योदय
के बीच ही आते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।